सदगुरु ने कहा है, ऐ जियरा तै अपने दुख ही संहार, जे दुख व्याप रहा संसार। माया मोह बधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गो खोई। मोर तोर में सबे बिगुरचा, जननी गर्भ वद्र मां सूता। और लंबा पद है। प्रथम प्रकरण रमैनी की ये 84वीं रमैनी है। ऐ जियरा तय अपने दुख ही संहार। ऐ जीव तू अपने आप को दुखों से बचा। सब जीव दुखियारे दुख में पड़े। ये शरीर ही दुख की पोटली है, चाम का थैला, टट्टी पेशाब, हड्डी मांस, रक्त मवाद सब इसमें भरे। ये शरीर गंदगी का आकर है, रोगों का घर है। कहीं चोट लग जाए तो दर्द के सिवा क्या होगा, और इसमें रक्त निकलेगा इससे। और इतना ही नहीं, अंदर में जो मन है उद्वेगों से भरा है, क्रोध, काम, द्वेष, ईर्ष्या, कपट, छल, वक्रता, अनेक उद्वेगों से भरा है। लेकिन अहंकार है, हम ज्ञानी हैं, साधु हैं, भगत हैं, महात्मा हैं, बड़े हैं, विद्वान हैं, ये और रोग है। सामान्य व्यक्ति का तो रोग कटता है, लेकिन अपने को साधु, महात्मा, ज्ञानी, भगत मान लेने वाले का रोग नहीं कटता। दासा तन में रुचि नहीं है, अपने को मनवाने में रुचि है, तो और उल्टा हो जाता है। सब जीव दुखी क्यों है? क्योंकि देह ही दुख का घर है। और जिन प्राणी पदार्थों के बीच में हम बसे हैं वो सब परिवर्तनशील हैं, पदार्थ सब हर क्षण बदल रहे हैं, प्राणियों के मन बदल रहे हैं। जहाँ सब कुछ बदलने वाला है वहाँ स्थिरता कहाँ है? जिनके प्रति हमारी बड़ी आस्था है, बड़ा मोह है, बड़ा प्रेम है, उनका मन बदल जाता है। कला 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 कला, सारा संसार कला से भरा। लेकिन इसी गर्दा गुब्बार भरे संसार में, इसी कला भरे संसार में, इसी पीड़ा भरे शरीर में रहकर जो विवेकवान है अपना उद्धार कर लेता है। ये मनुष्य के बस में है, परिवर्तन को तो नहीं रोक सकता है, अपने मन को ठीक कर सकता है। साथियों के मन के परिवर्तन को हम नहीं रोक सकते हैं। किसी का मन बदल जाए, बदल जाएगा। अपने शरीर की अवस्था को हम नहीं रोक सकते हैं, ये भागी जा रही है। लेकिन अपने मन को ठीक कर सकते हैं, सुबस कर सकते हैं, और इसी में दुखों की निवृत्ति है। अहंकार मुख्य बंधन है। अहंकार को अगर हम भदेसिल भाषा में कहें तो मूर्खता है। वैसे मूर्खता भदेसिल भाषा नहीं है, शुद्ध भाषा है, कठोर है। मूर्खता और अहंकार, अहंकार थोड़ी सभ्यता पूर्वक है, मूर्खता थोड़ा कठोर शब्द है। लेकिन कठोर शब्द के बिना भी काम नहीं चलता है। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो गहराई से चीरता है,
और जरूरत पड़ने पर अंगूठे से दबा करके साफ कर देता है। तत्काल तो पीड़ा होती है लेकिन मवाद निकल जाती है, दुख दूर हो जाता है। अहंकार और मूर्खता एक बात है। जिस संसार में एक कण पर मेरा अधिकार नहीं है, वहाँ की वस्तुओं का अहंकार करना मूर्खता नहीं तो क्या है? इस संसार के एक कण पर भी मेरा अधिकार नहीं और यहाँ का अहंकार करना मूर्खता नहीं तो और क्या है? इस अपने अहंकार को समझें। हंता मां सभी पड़े, हंता देखे साध, हंता ते न्यारा रहे गुरमुख दृष्टि अबाध। ये सदगुरु रामराज साहब ने पंचग्रंथी में कहा। हंता मां सब ही पड़े, सब जीव अहंकार में पड़े क्योंकि अज्ञान है, समझ नहीं। विषयों की आसक्ति और चिपकाहट इतनी जोर से है कि उसको लेकर के मन में अहंकार भरा, समझ में नहीं आता है कि अहंकार है। हंता मां सब ही पड़े, हंता देखे साध, जो अपने अहंकार को देखे वो साधु है किसी वेश में हो और किसी लिंग में हो, स्त्री हो पुरुष हो नपुंसक हो, और वेश साधु का वेश हो गृहस्थ का वेश हो किसी वेश में हो मनुष्य हो, जो अपने अहंकार को देखे वो साधु है। और हंता ते न्यारा रहे, अहंकार से अलग रहे, गुरमुख दृष्टि अबाध, गुरमुख दृष्टि लेकर के बाधा रहित मार्ग में चले। दूसरे के अहंकार को देख पाते हैं। एक महात्मा ने, मैं कभी कार्यक्रम में गया था तो उन्होंने पूछा कि महाराज जब किसी का अहंकार देखने में आता है तब उनसे श्रद्धा नहीं रह जाती। तो मैंने कहा कि आप किसी के अहंकार को क्यों देखते हैं, अपने अहंकार को देखें। दूसरे के अहंकार को देखने का हमारा क्या अधिकार है और उसको देख करके फायदा क्या होगा? अपना अहंकार देखें। किसी का अहंकार देखें तो ये सोचें कि ऐसे अगर मेरे अहंकार होगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। अपना स्वभाव अपने को प्रिय होता है, गंदा स्वभाव भी अच्छा लगता है। अगर दूसरे का वैसा स्वभाव है तो उसको देख करके खटकता है, तो निर्देश लेना चाहिए कि ऐसा ही स्वभाव दूसरे लोग जो हमारा देखेंगे तो उनको कैसे खटकेगा। इसलिए किसी की त्रुटि देख करके ये सोचना चाहिए कि ऐसी त्रुटि मेरे में ना आए। अब आप दूसरे के अहंकार को देखने के चक्कर में पड़े। साधक अपने को देखता है, दूसरे को नहीं। दूसरे में इतने ध्यान रखा जाता है कि कोई ज़्यादा उठपटांग है तो समझ ले, समझ करके सावधान हो जाए। साथियों को भी सावधान कर दे, बस काफ़ी है। अब उसके दोष का पाठ बनावे, लोगों से वर्णन करे, लोगों में वातावरण फैला करके उसको नीचा दिखाने की चेष्टा करे, ये साधक का लक्षण नहीं। उपेक्षा साधना में मानी जाती है। जो ऐसे लोग हैं कि जिनको हम सुधार नहीं सकते हैं और टेढ़े चलते हैं और सुधारने का बल हमारे में नहीं है, तो उसमें चुप हो जाना चाहिए, मन वाणी कर्म से उधर अपने को बचा लेना चाहिए। इसको कहते उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ घृणा और ईर्ष्या नहीं है, उपेक्षा का अर्थ है उधर चित्त ही न ले जाना। अगर किसी को हम सुधार सकते हैं तो लगें, और सुधार नहीं सकते हैं। अब आदमी टेढ़ा चल रहा है
तो उसमें लगेंगे तो राग द्वेष करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, कहा कोई करेंगे, दुख बढ़ेगा। इसलिए ऐसी जगह उदास हो जाना चाहिए, बस ये साधक के लिए है। और जो लड़ता है, विवाद करता है तो दुख बढ़ाता है अपना, वो साधक नहीं। दूसरे की बुराइयों को कहने सुनने से चित्त में जब वो बारंबार आएगी बुराई, तो अपना मन दूषित होगा और दूसरे के हित तो होगा नहीं, अपना अहित होगा। बात फैलेगी तो वही प्रतिक्रिया में कुछ कहेगा और दुख बढ़ेगा, क्या फायदा होगा। इसलिए किसी की ऐसी बात जानी जाती है तो सावधान हो जाए, बस कहे ना, किसी बुराई का वर्णन ना करे, अपने में सावधान हो जाए, अपने लोगों को सावधान कर दे, इतना काफी है। और किसी की बुराई का वर्णन करना ये अपने लिए खाई खोदना है। समय बहुत थोड़ा है, भागा जा रहा है, मौत सब के पीछे लगी है। काल खड़ा सिर ऊपरे ते जाग बिराने मीत, जाका घर है गैल में सो कस सोए निश्चिंत। काल सिर पर खड़ा है, ऐ मीत तू बिराने का मित्र हो गया, जाग बिराने मीत। हम अपने मित्र नहीं है, बिराने के मित्र हो गए, विषयों के मित्र, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा के मित्र, काम भोग के मित्र, कुल मिलाकर के विषयों के मित्र हो गए, अपने मित्र नहीं रह गए। तय जाग बिराने मीत, जाका घर है गैल में सो कस सोए निश्चिंत। जिसका घर रास्ते में, वो निश्चिंत होकर के कैसे सो रहा है। काल के रास्ते में हमारा घर है और सब बेभान है, बिरला बिरला कोई जागता है, सब पैर पसार के सो रहे हैं, यहीं रहना है, ये सब मेरा है, मेरे समान कौन है, कौन मेरे सामने आ सकता है। इतना घमंड, इतना अविवेक, सब सो रहे हैं, बिरला कोई जाग रहा है। जागने वाला अहंता ममता से हीन होता है। जो अहंता ममता जिसने त्याग दिया है वही जाग रहा है। जागने की जरूरत है। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोए तो गैल बिगोए हो रमैया राम। दुख की धारा में सब पड़े हैं और काम वैसा करते जिससे दुख बढ़े। चार लोग साथ में हैं तो आपस में कलह करते हैं, पत्नी पिता पुत्र भाई माता, या साधु के मठ में हो, गुरु भाई हो, अगर वो कलह करें तो और बिगड़ा है। गृहस्थ लोग साधु के पास किस लिए आते हैं? तपित मन को शीतल करने के लिए। गृहस्थ लोग अपने ताप में तप रहे, साधु शीतल छाया। साधु बिरछ सत ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार, जगम होते साधु नहीं जरि मरता संसार। ये साहेब की साखी। साधु वृक्ष है, सत ज्ञान का उसमें फल लगा हुआ है, उनके शब्दों के विचार शीतल छाया हैं। ऐसे संत जगत में न होते तो जगत के लोग जल मरते। ये संत की परिभाषा हुई। और संत के पास गए, वहां आग लगी है, तब कहाँ जाएंगे भगत लोग? इसलिए वेश धारण करना बहुत सावधानी की बात है। वेश तो खूब लोग बना लेते हैं, अपने हाथ से बना लेते हैं, और गुरु महाराज से बेच लिए, शाम को और सुबह स्वतंत्र होके चल दिए। तो वेश तो धर लेना कोई बड़ी बात नहीं।
साधु वृक्ष है, सत ज्ञान का उसमें फल लगा है, निर्णय वचनों के, निर्णय विचारों के वचन शीतल छाया है, इसलिए साधुओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। साधु वो गृहस्थ हों जो जहाँ रहते हों, आपस में सामंजस्य जब तक न होगा सुख नहीं होगा। पत पत्नी में मैत्री भाव, पिता पुत्र में सद्भाव, भाई भाई में सद्भाव, पड़ोस के प्रति हमदर्दी, भगवान की भक्ति करते हैं और इंसान से बैर करते हैं। इंसान को छोड़ करके भगवान कहीं फलित होगा? हवा में बात करते रहो, उड़ाते रहो धूल, शब्दों की ढेरी से वस्तु उपस्थित नहीं होती है। अगर हम लोग अखंड पाठ पानी पानी का करें तो पानी की एक बूंद भी वहां नहीं आएगी। पानी लाने से पानी आएगा। जब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा तब तक कोई फल नहीं होगा। ये प्रथम कर्तव्य है कि जो जिन मनुष्यों के साथ हम रह रहे हैं आपस में मैत्री भाव, काफी दुख हट जाएगा। लेकिन यही लोग नहीं संभाल पाते हैं। एक लड़का है, पिता लड़का से लड़ता है, लड़का पिता से लड़ता है, कहीं माँ बेटे से लड़ाई है तो कहीं किसी से लड़ाई है, उतने में नहीं संभाल पाते हैं। कितने पति पत्नी कलह में रोज जीते हैं, भाई भाई जीते हैं, गुर भाई जीते हैं, कैसे सुखी होंगे? ये तो मोटी बात है, प्रेम से जीने से तनाव रहित जीवन सुखमय व्यतीत हो सकता है। दुख हमारा घटेगा जब इन बातों पर हम ध्यान देंगे। व्यवहार हमारा समुज्ज्वल हो और अपने को देखा जाए, अपने को निरंतर सुधारा जाए, अपने मन के मैल को धोया जाए। दुख बाहर से नहीं पैदा होता है, भीतर से पैदा होता है। एक पेड़, विशाल वृक्ष तैयार है वर्षों में, वो भीतर से आया है। छोटा सा बीज, बट का दाना, बरगद का दाना होता है, वही अंकुरित होता है, पौधा बनता है, विशाल वृक्ष बनता है। हमारे सुख और दुख हमारे मन से पैदा होते हैं, दूसरे से नहीं। दूसरे हमारे दुख के कारण होते हैं, वो सीधे कारण नहीं, निमित्त कारण है। अगर हम सावधान रहें तो उसका हम निवारण कर सकते हैं। जैसे कोई यहाँ आकर के खड़ा होके मुझे गाली देने लगे और उससे हम दुखी हो जाएं, तो निमित्त तो वो है लेकिन हमारा अज्ञान है। अगर हम स्वयं ज्ञानवान हैं तो उसकी गाली से हम दुखी नहीं होंगे, उसकी समझ वैसी है। एक हवा का झोंका है, हमें दुखी होने कोई जरूरत नहीं। अपने मन का अज्ञान निवृत्त होने पर दुख निवृत्त हो जाता है। और हम सबके मन के अज्ञान को निवृत्त कर दें, यह संभव कहाँ है? कोई हमें कुछ न कहे, ये कहाँ संभव है? कहने वाले मिलेंगे, कहेंगे तो निमित्त तो संसार में बना रहेगा। निमित्त से ऊपर उठना चाहिए, हमारे दुखों का निमित्त दुनिया में है। जैसे कि बीमारी आ गई, एक निमित्त हो गया दुख का, लेकिन बीमारी को प्रसन्नता से, निर्विकार भाव से झेलें, संयम औषध करें, मन को दुखी न बनाएं, ये हमारा काम है। अर्थ का अभाव हो गया, धन कम हो गया, तो एक निमित्त हो गया दुख का,
लेकिन उसमें गुजर बसर करने के लिए एस्टिमेट बनावे। हमसे बहुत कम धन वाले हैं वो भी सुख से जी रहे हैं, जैसी स्थित है उस स्थित के अनुसार व्यवहार करें। निमित्त तो उदय होते रहेंगे, शरीर में व्याधि आ सकती है, प्राणियों का मन बदल सकता है, विरोधी लोग उपस्थित हो सकते हैं, धन की कमी हो सकती है, अपमान अनायास हो सकता है, पदोन्नत की अपेक्षा पद अवनति हो सकती है। ये सब दुनिया एक चक्र है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन इन सभी स्थितियों में जो अपने मन को माँच करके रखता है वो दुखी नहीं होता है। निमित्त बने रहेंगे, दुख के निमित्त बने रहेंगे, लेकिन निमित्त से प्रभावित न होना ज्ञान है। हम स्वयं दुख का उपादान हमारा अज्ञान है, निमित्त नहीं। जैसे घड़ा, घड़ा का उपादान मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बनता है, निमित्त कारण कुम्हार है, कुम्हार स्वयं घड़ा नहीं बन जाता है, वो निमित्त है, लेकिन मिट्टी घड़ा बनता है। ऐसे दुख का कारण उपादान कारण हमारा अज्ञान है, निमित्त कारण बाहरी भी होते हैं। सारे दुख का कारण निमित्त बाहर नहीं है, मुख्य तो हमारे मन का अज्ञान ही है, जो मन में उद्वेग है, अशांति है, बिना हेतु ही बाहर कोई निमित्त नहीं, अपना मन ही उद्वेगित रहता है, तो अज्ञान से है। लेकिन बीमारी आने से कष्ट हुआ, अपमान से कष्ट हुआ, धन कमी होने से कष्ट हुआ, तो ये निमित्त से हुआ। लेकिन इस निमित्त में भी मुख्य कारण है हमारा अज्ञान। अज्ञान के निवृत्त हो जाने पर आदमी दुखी नहीं होता है। अब अगर ये माना जाए कि भाई निमित्त आ जाएगा तो दुखी हो ही जाएगा, तो किसी के दुख की निवृत्त नहीं होगी। बड़े बड़े लोगों को गाली दी गई है, जीवन मुक्तों को गाली दी गई है, जीवन मुक्तों को गाली देने वाले सुसभ्य लोग रहे हैं, विद्वान और साधु रहे हैं, और महंत रहे हैं, अच्छे कहलाने वाले, पूज्य कहलाने वाले रहे हैं, और जीवन मुक्तों को गाली दी है, तो क्या करोगे, क्या सुबस्ता है। गोस्वामी जी कहते हैं, अब जस जोग की जानकी, मड़ चोरी का कान, तुलसी लोक रिझाई वो, करस कातबो नान। क्या सीता जी अबजस के योग्य थी? अयोध्या वासियों ने सीता का अपजस किया, धोबी ने ताना मारा, ये वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के लोगों में बड़ा भ्रम था कि सीता रावण के यहाँ इतने दिन रही, उनको श्री राम ने फिर से पत्नी बना करके घर में रख लिया, तो हम लोगों की भी पत्नियाँ कहीं भी रहें आएंगी तो फिर पत्नी स्वीकारना पड़ेगा। कैसा आश्चर्य है, सीता जी क्या रावण यहाँ गई थी खुशी से? वो तो पकड़ के अपहरण करके ले जाई गई थी, अशोक वनिका में रावण ने रखा था, अपने रंग महल में नहीं। और वहाँ वो कोशिश करता था कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, लेकिन वो फटकारती थी, वो इस राम का ही जप करती थी। सीता जी निर्दोष थी, सीता जी की निर्दोषता अयोध्या वाले नहीं समझ सके। तो आप क्या समझते हैं कि आपको सब निर्दोष समझ लें? अपजस जोग की कान है, श्री कृष्ण महाराज के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा था कि उन्होंने मड़ की चोरी की है,
श्री कृष्ण जी का स्वभाव था दूसरा, वो उसके पीछे लग गए और जहाँ से मड़ थी प्राप्त करवाई तो अबजस करने वाले लज्जित हुए। श्री राम का स्वभाव दूसरा था, पीछे नहीं लग पाते थे, बड़ा ज़्यादा शील में पड़ जाते थे, तो उस छानबीन कुछ नहीं किए, नहीं तो अयोध्या वासियों को बैठा करके बात करनी चाहिए, कुछ नहीं किए, चुपके से निकाल दी। तो सीता जी अबजस के योग्य नहीं थी और मड़ चोरी कन्हैया ने नहीं किया था, लेकिन उन दोनों को बदनाम किया गया। ये एक उदाहरण है। दुनिया में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ है जो निंदित नहीं किया गया है, इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि लोग हमें क्या कहते हैं। शरीर है तो कभी रोग व्याधि आ सकती है, अर्थ की उन्नति में घटाव हो सकता है, इस संसार चक्र ऐसा है, स्थिर नहीं रहता, ये चक्की की तरह घूमता है ऊपर से नीचे तक। किसी भी निमित्त से दुखी होना अपने अज्ञान का फल है। ऐसा पक्का साधन बनावें हम किसी स्थिति में भी दुखी ना हो, ये पूरी मानवता है। सदैव प्रसन्न रहें, अंदर से निर्भय प्रसन्न सुखी ऐसा जीवन बनाएं, अपने को ठोकें कसें, अपने को संभालना। दूसरे को तो केवल राय दी जा सकती है। कृतार्थ आत्मा जीवन मुक्त पुरुष के शिष्य होते हैं, लेकिन वो सब शिष्यों को जीवन मुक्त नहीं बना सकते, राय दे सकते हैं, केवल राय दे सकते हैं। शिष्य लोग जितना शासन मानेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। शिष्य शासन शब्द से बना है, शासन, शासन का मतलब उपदेश शिक्षा, उसी से शिष्य बना है। शिष्य वह है जो शासन माने, उपदेश माने, लेकिन उपदेश मान पावे तो, नहीं मान पाएगा तो गुरु क्या करेंगे, गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य में आए चू भावे तो ऊपर मोदी बांस बजाए फूक। इसलिए कोई जीवन मुक्त पुरुष भी अपने शिष्यों को जीवन मुक्त नहीं बना सकता है, स्वयं परिश्रम से होने वाला है। ये मनुष्य को आशा और विश्वास होना चाहिए कि इसी जीवन में रहते रहते हम पूरा सुखी हो सकते हैं। आपका उद्देश्य क्या है, क्यों भाग भाग फिरते हैं, क्यों धन कमाते हैं, क्यों परिवार बटोरते हैं, क्यों मठ स्थापित होता है, ये प्रचार प्रसार क्यों, गृहस्थ और विरक्त का जितना श्रम है क्यों, सब दुख निवृत्त के लिए है। लेकिन ठीक से समझ न होने से बहुत काम करने पर भी दुख निवृत्त नहीं होता है। कमाना धमाना तो इसलिए है क्योंकि शरीर का गुजर करना है, शरीर की रक्षा किए बिना शरीर से साधना असंभव है। मेरे शरीर की रक्षक बहुत से लोग हैं, इसलिए उनकी भी सेवा करनी है। ये दुनिया सहयोग का घर है, सहकारी समिति है, एक दूसरे का सहकार चाहिए। अनेकों के श्रम से मेरी आध्यात्मिक और आधिभौतिक उन्नति होती है। देखो यहाँ प्रकाश जल रहे हैं, प्रकाश कहाँ से आ रहा, यहाँ की व्यवस्था जिन्होंने की है उनकी व्यवस्था में हम लाभ ले रहे हैं। कोई भोजन बना रहा है, हम नहीं बना रहे लेकिन खाएंगे। लोगों के सहयोग से हमारा जीवन चलता है। अनेकों के ग्रंथ हमने पढ़े हैं और पढ़ते हैं जिससे हमारा कल्याण हो रहा है। लिखने वाले कौन है, प्रकाशक कौन है,
स्याही बनाने वाले कौन है, कागज बनाने वाले कौन है, छापने वाले कौन है, अक्षर जोड़ने वाले कौन है, एक एक बात देखिए। कपड़े हम लोगों ने पहन रखा है, इसमें बैठने वाले में सब कपास नहीं पैदा करते हैं, सब रुई नहीं धुनते हैं, सब सूत नहीं काटते हैं, सब कपड़े नहीं बुनते हैं, लेकिन कपड़े सब पहने हैं। तो कपड़े बनाने वाले का उपकार हमारे ऊपर है। आप नज़र दौड़ाइए तो हमारे आध्यात्मिक और आधिभौतिक दोनों उन्नतियों के मूल में ये पूरी सत्ता का सहयोग है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सेवा परायण हों, तन से, मन से, धन से, वचन से, ज्ञान से, जो शक्ति हमारे पास हो उससे हम भी सेवा समर्पित करें। तो ये अदलू बदलू की दुनिया है, लेना देना करना। तो जीवन की रक्षा के लिए सब करना है, लेकिन जीवन किस लिए है, क्यों खाते हैं, क्यों जीते हैं, जीने का मतलब क्या है, रेंग रेंग करके जी करके मर गए कीड़े के समान, क्या मतलब हुआ। सब कुछ का मतलब है दुख की निवृत्ति, दुख से छूट जाना, दुखी ना होना, आनंदित रहना, प्रसन्न रहना, निर्भय रहना, जीना मरना दोनों बराबर लगना। शरीर है ठीक, अभी शरीर के मौत का समय आ जाए ठीक, अभी शरीर छूटने लगे कोई हर्ज नहीं, कोई परेशानी नहीं। संग चले सो धन है, संतो छूट जाए सो माया। जो साथ में चले वो धन है, जो छूट जाए वो माया है। ऐसा मन मजबूत हो, लड़के ने कुछ कह दिया दुखी ना हो, पत्नी ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया, भाई ने कुछ कह दिया, गुरु भाई ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, दुखी ना हो। आपत्ति विपत्ति आ गई दुखी ना हो, प्रसन्नता से उसको काटने का प्रयास करें। सुर नरमुनि ओ देवता, सात दीप नौ खंड, कहें कबीर सब भोगिया देह धरे को दंड। साहब कहते सुर नरम देवता सात दीप नौ खंड के सभी लोग देह धरने का दंड भोगते हैं। कोई बचता नहीं है देहधारी कि देह धरने का दंड न हो। शरीर गलेगा, रोग न होगा तो भी गलेगा, बुढ़ापा आएगा, जर्जर होगा, काया ढीली होगी, ज्ञानी पुरुषों की भी काया ढीली होती है, इसको कौन रोक सकता है। काया ढीली हो मिट जाए मिट जाए, मिटने वाली चीजें हैं। जिस किसी स्थिति में प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, निर्भय रहना, ये कल्याण अवस्था है। अपने दुख को मिटाओ, दुख को मिटाने का रास्ता सरल है, अपने अहंकार ममकार को हम काटें। दूसरे के अहंकार को देख करके हमारा दुख बढ़ेगा, दोष दर्शन होगा, मन खराब होगा। दूसरे के चित्त को तो हम सुधार नहीं सकते हैं, अपने सुधार सकते हैं, वो सुधारने की चेष्टा नहीं है। और जिसके लिए हम चेष्टा नहीं कर सकते हैं सुधार की, उसके लिए हम नुक्ताचीनी में पड़े हैं, क्या मतलब हुआ। साधक वह है जो अपने को देखता है, जो दूसरे को देखता वो बाधक है, साधक नहीं। सदैव अपने को देखो और अपने को शोधो, अपने को धुनो। रुई धुनिया धुनता है, एक एक रेशे अलग अलग कर देता है, कचरा नीचे झड़ जाता है। साफ रुई बड़ी सुंदर लगती है, धुनी हुई रुई। अपने मन को हमें धुनना चाहिए, धुन करके साफ कर लेना चाहिए। समय भागा जा रहा है, इसी गर्दा गुब्बार भरे, राग द्वेष भरे, कीचड़ पानी भरे संसार में, महापुरुषों ने अपना उद्धार कर लिया है। जो दुनिया के बड़े पुरुष हो चुके हैं, देश में विदेश में हर जगह,
ये नहीं मानना चाहिए कि भारत में ही बड़े पुरुष होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी होंगे। उन महापुरुषों ने अपना उद्धार किया, संसार ऐसे था, इसे कोई बड़ा विलक्षण नहीं था। हम समझते हैं पहले का जमाना बड़ा अच्छा था, ये भ्रम है। पहले सब अच्छा था, आज खराब है, आगे और खराब आएगा, ये मानसिक भ्रम है। पहले भी अच्छा खराब थे, आज भी अच्छा खराब है, आगे भी अच्छा खराब आएगा। आज बहुत अच्छा है, वैसे भी बहुत अच्छा है, इतना विज्ञान का युग है। आज से 100 वर्ष के पूर्व की बात होती, 200 वर्ष पूर्व की बात होती, तो यहाँ 10-5 मसाल जगह जगह रखा होता, लाउड स्पीकर थोड़े होती। और आप लोग जो ट्रेन से बस से यहाँ आ गए, थोड़े होता इतने आदमी इकट्ठा होना, सरल थोड़े था, बहुत मेहनत से लोग इकट्ठे होते थे। विज्ञान का कितना साधन बढ़ गया है, यातायात साधन, संचार साधन, सब प्रकार के साधन बढ़ गए हैं। और खास बात तो यह है कि आज हम जी रहे हैं, आज हमें कल्याण करने का हमारा अवसर है। तो आज खराब है तो हम कब कल्याण करेंगे? आज खराब काहे का है? आज खराब नहीं, बहुत बढ़िया। दुनिया में बेईमान बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा लोग कह देते हैं। दुनिया में अच्छे लोग बहुत हैं। गलत लोग कम होते हैं, उनका प्रचार ज़्यादा होता है। इसी इतने बड़े शहर में अधिकतम लोग हैं जो पराई स्त्री को माँ बहन बेटी समझते हैं। कोई उचक्का किसी लड़की इसके साथ दुर्व्यवहार कर दिया तो अखबार में छपता है, लेकिन हजारों लाखों लोग पराई स्त्री को माँ बहन बेटी समझते हैं, उनका नाम अखबारों में नहीं छपता। तो मान लिया जाता है आजकल खराब लोग बहुत हैं। आजकल खराब लोग बहुत नहीं, खराब अच्छे सब समय रहे। आज का समय बहुत बढ़िया, हम लोग चलते हैं फिरते हैं, आंखें न होती रास्ता न देख सकते, ग्रंथ न पढ़ सकते, महापुरुषों के दर्शन न कर सकते, हाथ न होते सेवा न कर सकते, पैर न होते चल न सकते, बुद्धि न होती कुछ समझ न सकते, ये सारी योग्यताएं प्राप्त हैं। कितना बढ़िया समय है, संत सदगुरु मिले हैं, सदग्रंथ मिले हैं। अब हमें अपना काम करना है, समय खराब नहीं है, समय अच्छा है, सब कुछ ठीक है। इतना बढ़िया माहौल, हमें चांद सूरज मिले हैं, तारे मिले हैं, इतनी बड़ी पृथ्वी मिली है, हवाएं मिली हैं, इतने लोग हम यहाँ बैठे हैं, हमारे नाम से इसकी रजिस्ट्री है और सब उपयोग कर रहे हैं। आप लोगों के नाम से नहीं, मेरे नाम से भी नहीं, कवि पारक संस्थान के नाम से रजिस्ट्री और हम लोग उपयोग कर रहे हैं। सड़क में आप आए हैं, वो कबीर पारक संस्थान का नाम भी उसमें नहीं और सड़क का उपयोग आप किए हैं। बस में आए हैं, ट्रेन में आए हैं, वो भी किसी के नाम से नहीं और उपयोग किए हैं। हवाएं आती हैं, किसके नाम से रजिस्टर्ड है? चांद सूरज किसके नाम से रजिस्टर्ड है? इतना वरदान सब तरफ से हमें मिल रहा है, संत जन रास्ता दिखाने वाले हैं। हमें अपने को ठीक करना, समय अच्छा है, लोग बुरे नहीं हैं, लोग सब अच्छे हैं, हम बुरे हैं, अपनी बुराई देखना। कोई बुरा है वो जाने, उसका सर दर्द हो गया, उसके पीछे हम क्यों पड़े, अपने को देखें। दुख दूर करने का साधन हमारे पास है, वह है विवेक। लेकिन विवेक ऐसे जगता नहीं, कहीं कहीं स्वप्नवत आ गया तो उससे काम नहीं होता। आग लकड़ी में होती है लेकिन उससे आग लगती नहीं है।
कुछ लकड़ियों में आग होती है, जब उसको घिसा जाता है तब आग पैदा होती है। शक्ति आप में है, विवेक की शक्ति, लेकिन वो सामान्य शक्ति से काम नहीं बनेगा, उसको घिसना पड़ेगा। और उसी के लिए संत जन है, जिन्होंने अपने को सोधा है और सोध रहे हैं, ऐसे संत की जरूरत है। वेश तो बहुत है, साधु और वेश में बड़ा अंतर है। जो साधक है, जो साधना में लौलीन है, जो दुख निवृत्त है, ऐसे संत की जरूरत है। उनको संत कहो, गुरु कहो, पीर कहो, औलिया कहो, महात्मा कहो, वो भाषा है, बात एक है। पूरी दुनिया में आप किसी का साहित्य उठा के पढ़िए, चाहे ईसाइयों का, चाहे इस्लामियों का, चाहे हिंदुओं का, जैनों का, बौद्धों का, और कबीर पंथ, वैष्णव, वेदांत, किसी का भी, हर जगह गुरु का महत्व है। गुरु के बिना रास्ता कौन दिखाएगा? गुरु वह है, गुरु शब्द ही महान है, गुरु गरिष्ठ, श्रेष्ठ, निर्मल। जो केवल मुख से उपदेश करता हो ऐसा नहीं, आचरण में हो वो गुरु है। ऐसे गुरु की जरूरत है, ऐसे गुरु की शरण में समर्पण की जरूरत है, ऐसे संतों के सानिध्य में रह करके काम करने की जरूरत। जो विरक्त हैं वो ऐसे गुरु और संतों की शरण में अपने को डाल करके शिष्य बन जाएं और साधना करें, तब दुख दूर होने की प्रक्रिया में होंगे। गृहस्थ लोग हैं, वे भी उनकी शरण में जाएं, लेकिन उनके साथ तो नहीं रह सकते, तो उनसे प्रेरणा ले लेकर के अपना काम करें। सदग्रंथ संतों के प्रतिनिधि। मेरे अपने जीवन में सदग्रंथों ने जो मेरा उद्धार किया, मैं स्वयं इसका अनुभव करता हूँ। पहले जब मैं वैदिक साहित्य में डूबा था थोड़ी उम्र में, तो उस समय भी संत महात्मा कोई मिलते थे तो उस मार्ग के भी बोधवान नहीं मिलते थे। कोई मिल गया, कोई गजेड़ी है, कोई भंगेड़ी है, जीवन उनका बहुत हिस्से में अच्छा है लेकिन गाजा पीते हैं, बोध कुछ नहीं है, बोध नहीं दे सकते हैं। संत आ गए दरवाजे पर, सेवा कर दी, अगर राम रहीम कुछ कह दिए बस। वे सांस ग्रंथ पढ़ता था, कुछ समझ में जो आता था अभ्यास करता था। जब कबीर साहब का विचार मिला तो सक्रिय रूप में संत मिले, गुरु मिले, लेकिन उनसे भी मुलाकात थोड़ी होती थी, साल में कहीं 2-3 बार और 2-3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए। लेकिन ग्रंथ ऐसे आधार बने कि ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके जीवन बदला। ग्रंथ संतों के प्रतिनिधि हैं, खूब अध्ययन सबको करना चाहिए। यथार्थ सदगुरु में समर्पण भाव, संतों का साहचर्य, विनयवनत होकर के उनसे निर्देश लेना और सदग्रंथों का स्वाध्याय और सेवा भाव से अपने चित्त को शुद्ध करना, जब ये सब काम किया जाएगा तब विवेक जगेगा। अहंकार से विवेक क्या जगेगा और पर्दा हो जाएगा। बाहरी प्रलोभनों में पड़े हुए साधक भटक जाते हैं। कितने साधक घर द्वार छोड़ते हैं, थोड़े में अपने को सिद्ध मान लेते हैं, पूर्ण काम, अहंकार की गांठ हो जाते हैं। समझ में नहीं आता अहंकार है, समझ लेते पूरे हैं, महात्मा हैं, हम अपने को महात्मा मान लेते हैं, बस वहीं सब चौपट हो जाता है। साधक विनयामनत हो करके गुरु की शरण में चलता है, उसके हृदय में विवेक उदय होता है। बहुत महीन रास्ता है, साहेब का घर दूर है जैसे लंबी खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। तो दूर कैसे है, ये विषयाशक्ति नचाती है सबको।
जो विषयों के प्रति चिपकाहट है, काम भोग के लिए चिपकाहट है, तो सम्मान भोग के लिए चिपकाहट है, गुरु बनने के लिए, गुरु बनने की चेष्टा विषय आसक्ति है। स्वाभाविक रूप में जिम्मेदारी लेकर के सेवा करना हो बात अलग है, लेकिन गुरु बनने की लालसा है तो विषय आसक्ति है। गुरु बनने क्यों लालसा है? कि हम लोगों को इजाजत दें, बड़े बने, ये सब वही विषय आसक्ति की बात आई। महंत बनने की इच्छा है, शासन करने की इच्छा है, स्वामित्व की इच्छा है, ये विषय आसक्ति है। विषय आसक्ति का पर्दा बहुत भयंकर, बहुत पतला, बहुत सूक्ष्म पर्दे पर पर्दा है, इसलिए साधक भटक जाते हैं। थोड़े में अपने को पूर्ण मान करके उन्मादी हो जाते हैं, इसलिए दुख दूर नहीं होता है। मन का क्लेश दुख है। किसी ने गाली दे दी ये दुख नहीं है, घाटा हो गया दुख नहीं है, बीमारी आ गई दुख नहीं है, फटे कपड़े पहने ये दुख नहीं है। मन का उद्वेग दुख है, मन का क्लेश दुख है, और हमारे मन का क्लेश हमारे पाप का फल है। हमारे मन में जो राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, भोगों की लालसा है, सम्मान की लालसा है, ये ललक है जो संसार के प्रति चमक दमक में, देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। पलटू साहब कहते हैं, देखने में सोना लगता है लेकिन सारा संसार कांच है। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। इसमें बैठे लोग, सज्जन लोग स्वयं सोच सकते हैं, अनेक बातों में उन्हें अपनी त्रुटियों से स्वयं झटका लगा होगा, जहाँ वे आकर्षित हुए होंगे फिर कुछ दिन के बाद विकर्षण हुआ होगा, जिसके लिए वो बहुत लालायित हुए होंगे वहीं से उनको धक्का लगा होगा। ये चमक दमक साहब ने जो कहा है, कबीर खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, वो घर कौन है? ये चमक दमक का घर, अहंकार ममकार का घर, जिस घर में हम लोग रहते हैं उसका नहीं, वो तो रहने की जगह है, वो तो बनाया जाता है, घर बनाया जाता है, कुटी बनाई जाती है, मठ बनाए जाते, आश्रम बनाए जाते, वो फूकने के लिए नहीं। यहाँ लाक्षणिक अर्थ है, अभिधा लक्षणा व्यंजना तीन शब्द शक्तियाँ हैं। शब्दार्थ को अभिधा कहते हैं, शब्दार्थ जहाँ न लगे वहाँ लक्षणा है, जहाँ लक्षणा भी नहीं लगता वहाँ व्यंजना, तो ये लक्षणा अर्थ में जो घर फूके अपना, तो रहने वाले घर की घर को फूकने की बात नहीं है, अहंता ममता घर को फूकना, अहंकार को फूकना, चमक दमक में जो आकर्षण है इसको फूकना। ऋषियों ने भी बहुत आगाह किया है पहले, हिरणमयन पात्रण सत्य स्यापित मुखम तत्त्वम पूषण पावीरण सत्य धर्माय दृष्टे, हिरणमयन पात्रण सत्य स्यापित मुखम, सत्य का मुख हिरणमय पात्र से अपहित है, ढका है, सोने के बर्तन से सत्य का मुख ढका है। तत्त्वम पूषण पावीरण, तत्त्वम पूषण अपावीरण आय पूषण, ऐ सबका पोषक, ज्ञान विज्ञान का पोषक आत्मा, तत्त्वम अपावरण उसको तू हटा दे। क्यों हटा दे? सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य और धर्म को देखने के लिए, सत्य आत्मा है और धर्म पवित्रता है। आत्मा तो आप ही, आत्मा को चेतन को रूह को सोल को अवंतता वही खुदा है और अल्लाह है और राम है रहीम है, उससे अलग आप कहीं नहीं पाएंगे। ढढोड़ते रहो, भटकते रहो, आकाश में चाहे पुकारो, चाहे मंदिरों में पुकारो, कहीं कुछ मिलेगा नहीं।
सबके अंदर की ज्योति, अंतर ज्योति, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्माता की त्रिपुरारी। कबीर साहब की वाणी में बीजक में प्रथम शब्द अंतर ज्योति है। ये अंतर ज्योति ही परम तत्व है, यही सत्य है। और धर्म क्या है? पवित्रता। कहें कबीर सत सुकृत मिले तो बहुर न झूले आन। साहब कहते हैं सत और सुकृत जिसको मिल जाते हैं वो भटकता नहीं। सत अपना स्वरूप है, हक बीनी, हक को देख लेना, सत को देख लेना, अपने आप को पहचान लेना, ये सत है। और सुकृत पवित्र आचरण। सत्य धर्माय दृष्टि, सत्य और धर्म के दर्शन के लिए ये चमकते हुए सोने के बर्तन को हटा दे, ये जो चिमचिम कर रहा है, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, गुरुवाई, मान थी, प्रधानमंत्रित्व पद, सरपंच और प्रधान, और प्रधान का पद, नाम कितने लिए जाए, सब दुनिया के चकर मकर में। आजकल तो चुनाव, जो MLA MP का चुनाव का जितना साजबाज से चुनाव होता था, अब सामान्य सदस्य का चुनाव ऐसा हो रहा है, लाखों लाखों खर्च हो रहे हैं। एक प्रदेश में मैं था, कहाँ साहब सरपंची के चुनाव में और उसके ग्राम पंचायत के सदस्यों के चुनाव में इतने शराब बांटे गए हैं कि हद है। तो ये सब में तो पतन है। चमक दमक में अब आजकल पंचायतों को हक ज़्यादा मिल गया है, पैसा ज़्यादा आता है काम करवाने के लिए, इसलिए होड़ मच गई है, द्वंद बढ़ गया है। चमक दमक हर जगह, चमक दमक वही पाप पैदा करती है, हम प्रलुब्ध हो जाते हैं। इसलिए कल्याण का रास्ता वैराग्य है। वैराग भड़काऊ शब्द है। वैराग से अर्थ लोग समझ लेते हैं घर छोड़ देना, कपड़ा बदल लेना। वैराग का अर्थ ये नहीं है। वैराग का अर्थ है अनासक्त हो जाना। आप घर में रहें या घर छोड़ दें, ये योग्यता पर निर्भर करता है। घर जल्दी न छोड़ें, घर में रहें। और घर छोड़ें तो सही ढंग से छोड़ें, घर छोड़ें तो किसी वैरागवान की शरण में समर्पित हो जाएं और साधना करें। और घर छोड़ करके बस फिर भटकना, ये कोई फायदेमंद नहीं। तो घर में रहो, घर छोड़ के रहो, जो जहाँ हैं सबको वैराग की जरूरत है, अनासक्त की जरूरत है। जब आप भोजन करने बैठते हैं वैराग की जरूरत है। वैराग नहीं रहेगा तो ज़्यादा भोजन कर लेंगे, प्रलोभन में पड़ जाएंगे, चार कौर और खा लेंगे, फिर तकलीफ होगी। वहाँ भी वैराग की जरूरत है। पति पत्नी नव दंपति हैं, बिल्कुल विवाह हुआ है, अगर उनमें वैराग्य है तो एक दूसरे के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। वैराग्य नहीं तो दुर्व्यवहार करेंगे। पति पत्नी से बहुत कुछ चाहेगा और पत्नी पति से, और थोड़े दिन में क्लेश होगा। उनके मन में अनासक्ति है, सद्भाव है, विवेक से जिएंगे तो सुखी रहेंगे। वहाँ भी वैराग का अंश चाहिए। नव दंपति में भी वैराग का अंश चाहिए। वैराग शब्द जरा बहुत भड़काऊ है। अनासक्ति को शुद्ध प्रेम, मोह नहीं। मोह आवरण है, मोह से सारा पाप पैदा होता है। जब हम दिग्भ्रमित होते हैं चकाचौंध में, और चकाचौंध कितने दिन की है, मानथी वो गुरुवाई के लिए कितना कितना पाप हो रहा है। तीर्थों में जाके देखिए, मठों में देखिए, मानथी के लिए षड्यंत्र चलते हैं और बहुत कुछ किया जाता है। क्या ये लोग सब साधु हैं, साधक हैं? साधक तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। ग्रस्त हो, विरक्त हो, कोई भी हो,
सबको अपने को चमक दमक से बचाना है, चकाचौंध से अपने को बचाना है। दुख पैदा होता है चकाचौंध में भ्रमित होने से। पतंगा दीपक की ज्योत की चकाचौंध में कूद के जल मरता है। हर इंसान विषय वासना और दुनिया के ऐश्वर्य की चकाचौंध में अनेक विकारों को पैदा करके अपने मन को नरक बना लेता है। मन की पूरी निर्मलता सच्चा सुख है। दुख की निवृत्ति मन की पूरी निर्मलता में। ये जितनी चर्चा हुई है ये कोई संप्रदाय की बात नहीं, किसी संप्रदाय की बात नहीं, ये आपके अस्तित्व की बात है। आप कबीर साहब की वाणी पढ़िए बीजक, कोई संप्रदाय उसमें है ही नहीं, कबीर पंथ तक का नाम नहीं है, कोई नियमावली नहीं है, कोई पूजा पाठ का विधान नहीं है। प्राप्त विचारों पर समीक्षा है और सत्य का उद्घाटन है। आप हैं, आपका अस्तित्व है, अब आप दुखी हैं। मन का क्लेश, मन का उद्वेग, मन का संताप, मन का भय, मन की पीड़ा, ये क्लेश है और इसकी निवृत्ति के लिए सरलता, पवित्रता, सेवा, भक्ति, ज्ञान, विवेक, ये सब की जरूरत है। अय जेरा तय अपने दुख संहार, जय दुख व्याप रहा संसार, सारा संसार दुख में तप रहा है। माया मोह बधा सब लोई, सब लोग माया के मोह में बधे हैं। अल्प लाभ मोल को खोई, अल्प लाभ थोड़ा लाभ और मूल खो जाता है। किसी आदमी को लटा दिया जाए, जवान पर एक एक बूंद मधुरस टपकाया जाए और गर्म लोहे से पूरे शरीर को दागा जाए, दुनिया का सुख ऐसे है। जरा सा मधुरस जीभ पर टपका करके पूरे देह को तपाया जा रहा है। दुनिया के सुख के भ्रम में पड़ करके इंसान गलत आचरण करता है। एक खुला गलत आचरण है, असंवैधानिक, और एक संवैधानिक घेरे के अंदर में रह करके दुराचार करता है। आप किसी का रोटी छीन करके खाइए, ये गैरकानूनी है, खुले रूप में पाप है। लेकिन अपनी ही मेहनत की रोटी हो और ज़्यादा खाइए, ये भी पाप है, इससे तकलीफ होगी। माया मोह बधा सब लोई, अल्प लाभ मोल को खोई, मोर तोर में सबे बिगुरचा, मोर तोर में सब उलझे। मोर तोर मानना पड़ता है, अपना घर, अपना मकान, अपना आश्रम, अपना खेत, अपनी दुकान, अपना कारखाना मानना पड़ता है। लेकिन विवेकवान समझता है ये व्यवहार है, परमार्थ अपना कुछ नहीं, तत्त्व अपना कुछ नहीं। तो ये जो चित्त तप रहा है, मन जल रहा है, भय और संताप में सब जीव ग्रसित हैं, इससे त्राण पाने के लिए, इससे निवृत्त पाने के लिए सदगुरु संतों की शरण है। सेवा भक्ति द्वारा अपने चित्त को शुद्ध करना, स्वाध्याय साधना सत्संग द्वारा विवेक को जगाना और विवेक के मार्जन से अपने मन को निर्मल करना, निरंतर निर्मल मन में दुख का अभाव होता है और सच्चा सुख उदय होता है। तब आदमी उस समय भी इसी संसार में रहता है जब तक शरीर रहता है और इसी हाण चाम की काया में रहता है, लेकिन निर्भय रहता है, संतुष्ट रहता है, तृप्त काम रहता है, आत्माभिमुख रहता है। वो व्यवहार करते हुए भी अपने में संतुष्ट रहता है, पूर्ण शीतल, ठोस शीतल रहता है। ये अवस्था आप प्राप्त कर सकते हैं, सब प्राप्त कर सकते, स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त कोई भी हो,
पूरा काम करना पड़ेगा, आधे से काम नहीं चलेगा। लगना चाहिए, जम के लगें और आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।